हेलो, मेरा नाम संदर्भ है और आप देख रहे हैं आपका विचार। मैं सब आज यहाँ का देहरादून का इतना वेदर बताऊंगा, इतना ठंडा हो रहा है यहाँ देहरादून पे, और ऊपर धनौल्टी साइड में यहाँ मसूरी साइड पे यहाँ बर्फ की रखी है। और इसी मौसम को बरकरार रखने के लिए इस बार हमारा टॉपिक है देहरादून ऑन विंटर वाला प्यार। और मैं इस बार हमारे साथ हैं जस्सी, जो कैमरे के पीछे हैं, और वो हमारे लिए वीडियो शूट करेंगे और वो ही एडिट करेंगे, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम कम है और मैं एडिटिंग में इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिकवर होने में बहुत टाइम लग रहा है। अब मैं चलता हूँ कि लोगों के विचार जानता हूँ, यहाँ के लोगों के देहरादून और विंटर वाला प्यार में कैसे विचार होते हैं। आइए चलो चलते हैं। अच्छा सर, आपको क्या देहरादून की ठंडी वाली लड़कियों से प्यार हुआ आपको कभी? देहरादून की लड़कियां पसंद नहीं आती। सर आपको क्यों नहीं पसंद यहाँ पे? क्योंकि देहरादून का मौसम और देहरादून की लड़कियां वो कभी नहीं बदल सकती, वो इसलिए पसंद नहीं आती। सर मैम, ऐसे ही यहाँ कहा जाता है कि देहरादून की लड़कियां और देहरादून का मौसम हमेशा बदलता रहता है, ऐसा सच है क्या? वो तो मुझे पता नहीं, आपको क्या लगता है? देहरादून की लड़कियां पैसे के पीछे भागती है, बंदे का नेचर नहीं देखती, बंदे का कुछ नहीं देखती, पैसे के लिए पीछे भागती है। जैसे देहरादून की लड़की होती है, जैसे मौसम की तरह बदलती है, ऐसा है क्या? नहीं, दिल्ली का कह सकते हैं, कहा जाता है कि लड़कियां बदलती हैं। भाई हमने भी देहरादून की लड़की से शादी करी, वो तो नहीं बदली अभी तक। मौसम तो बदलता है। ये तो कहावत बन कहावत है, कहावत बन चुकी है, कहावत है। सर मैं आपसे ये सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आपको देहरादून की ठंडी कैसी लगती है? ऑसम, ऑलवेज ऑसम, बहुत बढ़िया लगता है देहरादून का। आपको? ऑसम, अच्छी लगती है, अच्छा लगता है, प्लेजेंट लगता है जी हमें। अच्छा सर आपको? अच्छा, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। आपको? देहरादून विंटर्स में सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, ठंडी अच्छी है, रांची से तो बेटर है यहाँ। रांची से आपको कैसी लगती है मैम? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लगती है। आपको देहरादून की लड़की कैसी लगती है बेसिकली? ठीक है, नॉर्मल है, बेस्ट है, अच्छी है, बेहतर है, बहुत अच्छी है, जेन्युइन है यहाँ की लड़कियाँ नॉर्मली। आपको देहरादून की लड़की कैसे लगती है फिर? लड़की जैसी लड़कियाँ, जैसी लड़की बिहेव करेंगे वैसी उन्हीं के अगेंस्ट वो लड़कियाँ बिहेव करेंगी, वो अच्छे तो वो भी अच्छे है। टाइप की तो आजकल लड़कियाँ सब ऐसी है। अच्छा, हरामी टाइप की, देहरादून की तो खास कर हरामी है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लड़कियाँ तो अच्छी है। अच्छा देहरादून की लड़कियाँ अच्छी है, देहरादून की लड़के अच्छे हैं ऑब्वियसली, लड़कियाँ लड़कियाँ। आपको क्या लगता है सर? दोनों अच्छे हैं, दोनों। आपको देहरादून की लड़की कैसे लगती? ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू अदर सिटीज के जैसे बॉयज होते हैं थोड़ा तेज होते हैं या वैसे होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग बेटर है यहाँ के लड़के तो। ट्रस्ट कर सकते हैं हम लोग, ट्रस्ट कर सकते हैं, चल लड़की को तो ट्रस्ट नहीं कर सकते। सुन ले, देहरादून के लड़के कैसे हैं फिर? लड़के दिल नहीं तोड़ते किसी का, 50% से ज्यादा लड़के ऐसे जो दिल नहीं तोड़ते, लेकिन लड़के 100% ऐसे जो दिल तोड़ती है यार किसी। आपको क्या लगता है देहरादून के लड़के कैसे यहाँ के मैम? और जगह को देखते हुए, मतलब इन सिटीज में जैसे हम सुनते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसा है, देहरादून बहुत शांत शहर है और उसी हिसाब से यहाँ के लोग भी ठीक है। अच्छा सर आपको क्या लगता है देहरादून को सिटी ऑफ लव क्यों कहा जाता है? मैम को बताइए। आप मैम, आपको पता है कि देहरादून को सिटी ऑफ लव क्यों कहा जाता है? प्यार प्यार बसा है यहाँ पे लोगों के अंदर, क्योंकि यहाँ का वेदर थोड़ा रोमांटिक वेदर है, इट्स आल्सो रीजन रोमांटिक वेदर। हाँ, आपको क्या, आपको क्यों लगता है मैम? सेम। अच्छा सर आपको ये पता है कि देहरादून को सिटी ऑफ लव क्यों कहा जाता है? ये तो इसके बारे में तो ज्यादा पता नहीं है, लव में ज्यादा वो नहीं है जी, लव पे ज्यादा नहीं है, ज्यादा ध्यान लव पे नहीं। आप बीटेक से बिलोंग तो नहीं करते क्या? नहीं नहीं, मैं फार्मेसी, फार्मेसी हूँ। यहाँ पे कभी भी देखते ही, मतलब पहली बारी में किसी को भी कुछ भी हो सकता है, प्यार हो सकता है, फिर बदलता भी ऐसे ही है कपड़ों की तरह। आपको कितनी बार हुआ है? मेरे को तो नहीं हुआ कभी। अच्छा, बस अट्रैक्शन वगैरह हो जाता है वो। सर आपको कितनी बार प्यार हुआ है? तो प्यार तो हुआ है लेकिन दिन काफी बार टूटा है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, देहरादून वाले तो वैसे भी प्रेमी होते हैं तो हो ही जाएगा, प्यार करने वाले ही होते हैं देहरादून वाले तो। सर आपके देहरादून वाले ने कभी दिल तोड़ा है? जोड़ा ही नहीं, दूर की बात। सर आपको कितनी बार प्यार हुआ है? सर मुझे? हाँ सर। अच्छा, प्यार तो बहुत बार हुआ यार, सक्सेस एक बार नहीं। तो आप उनसे बात करने जाते हैं? हाँ, जो अच्छी लगती है मैं तो सीधा जाके बात कर लेता हूँ। बंदी है जिस पे गाड़ी है उस पे बंदी है, बंदी उसके पीछे भागेगी अगर तुम मुझे प्रपोज नहीं। आपको कितनी बार हुआ? मेरे को तो रोज ही होता है, कुत्ते को देख लूंगी, चिड़िया को देख, सभी से प्यार होता है। इंसान से हुआ है? इंसान से ना, नहीं हुआ है। फिर आगे क्या होता है, मुलाकातें होती है, सिक्का उछाला। हाँ, अगर हेड आया तो अपना, टेल आया तो
उसी का ही सर आपको कभी देहरादून की लड़की से प्यार हुआ है? नहीं। बाहर की साइड प्लेन साइड पे ठंड के बाद चाय पकौड़े खाते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या बिकता है आपको क्या लगता है? अगर आप सहजारा गुच्छ पानी चले जाओ तो वहाँ पे मैगी फेमस है। और हाँ बिल्कुल मोमोज और विद चाय, विद चाय विद अदरक वाली चाय, सूप चाउमीन सब चल रहा है, चाइनीज आइटम चल रहा है। यहाँ के सबसे अच्छे मोमो कहाँ मिलते हैं मैम? पल्टन मार्केट के। आपने कहा पल्टन मार्केट, आपको सबसे अच्छे पल्टन मार्केट जी? हमारे यहाँ का जो बेस्ट है पटेल नगर में थापा है। थापा यहाँ गड़ी कैंट। गड़ी कैंट आपने गड़ी कैंट में किस और एक मैगी पॉइंट। मैगी मोमो खा के पसंद है सर आपको? मोमो मुझे पसंद है। मोमो नहीं पसंद है आपने? तो यहाँ पे क्या बनता होगा सबसे ज्यादा फेमस क्या है स्ट्रीट फूड पे? मोमो या तो यही फास्ट फूड ये चाउमीन मोमो। आपने यहाँ के मोमो ट्राई किए अभी तक? नहीं देहरादून के तो नहीं सर। आपने देहरादून के मोमो नहीं ट्राई किए तो अभी तो कुछ नहीं। अच्छा सर आपको देहरादून की ठंड कैसी लगती है? ठंड तो अच्छी लगती है पर क्या करें ठंड में ज्यादा तो रजाई के अंदर बैठना पड़ता है। आपको क्या लगता है मैम ठंडी में यहाँ पे ज्यादा प्यार होता है? पता नहीं। अच्छा आपको सर क्या देहरादून की ठंड से प्यार हुआ है कभी? हाँ मौसम को देख के बहुत अच्छा लगता है, जैसे आज मौसम बहुत ठंडा है हम घूमने निकल गए। सर आपको क्या लगता है कि देहरादून की जो ठंड है उसमें ज्यादा प्यार होता है या गर्मी में ज्यादा प्यार होता है? ठंड में ज्यादा प्यार होता है सर। गर्मी में ज्यादा प्यार होता है आपको? आप ऐसे सर आपको कभी प्यार हुआ है? नहीं सर। आपकी गर्लफ्रेंड कभी नहीं रही सर? क्रश बहुत रही है। क्रश बहुत रही है। आपको कभी क्रश रही है सर? क्रश तो नहीं गर्लफ्रेंड रही है दो तीन। ये शिकारी है हमारे में शिकारी।